हरी सब्जी, ये है गेहूं की रोटियां, हमारे घर के ही गेहूं होते हैं। तो ऊपर पेड़ पे भी आ चुकी हूँ मैं और ये देख सकते हैं। हेलो जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटे को ढेर सारा प्यार। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और ब्लॉग मैंने सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दिया है आज। और अभी मैं थोड़ा छत पर आई थी तो सामने का व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा नज़ारा हो रखा है सामने वाली पहाड़ी में। और आजकल देख सकते हैं पूरे पहाड़ों में ग्रीनरी हो रही है, चारों तरफ देख सकते हैं। और अंशु भी आया था मेरे साथ छत में, चलते हम नीचे। सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं सुबह का। और आज के नाश्ते में बनाया है माँ ने हरी सब्जी, ये है गेहूं की रोटियां, हमारे घर के ही गेहूं होते हैं उनकी रोटियां हैं। और ये माँ ने ना आलू और मूली की सब्जी बना रखी है और इस गिलास में मैंने मट्ठा ले रखा है एक गिलास। तो आजकल चाय पीने का मन नहीं करता, थोड़ा गर्मियों का टाइम भी है, तो इसलिए मट्ठा ले रखा है मैंने इस गिलास में। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो अंशु को भी बुला रही हूँ मैं और ये ना कर्टन देखने पर लगा है। चलो पहले नाश्ता करोगे तब चलो आओ आ जाओ, नाश्ता करेगा ना। नाश्ता करने की कोई फिक्र नहीं रहती इसको, 24 घंटा टीवी देखता रहेगा ना। भुज्जी खाएगा, हरी भुज्जी खाएगा, लो ये लो आकर खाओ, आराम आराम से खाओ। चिंटू जो ने खा ली रोटी, तो अभी दिन के टाइम ना मैंने आज बड़े बड़े कंबल धो दिए हैं। तो एक कंबल ये है और एक मैंने नीचे डाल रखा है वहाँ तार में। और आज काफ़ी दिनों बाद पानी आ रहा था, आजकल पानी ही नहीं आ रहा है हमारे गांव में, पाइप लाइन रिपेयरिंग का काम चल रहा है, पानी की बड़ी समस्या हो रखी है हमारे गांव में। थक लगी कंबल को छत में लाते लाते, ना भारी हो रहा था कंबल है। क्या कहें तुझे, जैसे कि आजकल बरसात का टाइम चल रहा है तो क्यारियों में ना काफ़ी सारी सब्जियां उग रही है। और मेरे पापा ने ना यहाँ पे इस वाले क्यारी में बैंगन के पेड़ भी लगा दिए आज सारी क्यारी में। और इस साइड दिखा देती हूँ आपको क्या क्या उग रहा है आजकल। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी बीन्स लगी हुई हैं, काफ़ी सारी बीन्स की फलियाँ रखी हैं इन पौधों में। और पूरे क्यारी में बीन्स ही बीन्स बो रखे हैं पापा जी ने, और मक्का भी बो रखे हैं इसी वाले खेत में। और हरी सब्जी भी हो रखी है काफ़ी सारी, देख सकते हैं राई के पत्ते भी हो रखे हैं बड़े बड़े से, और ये मूली के पत्ते भी, ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सब्जी उगा रखी है पापा जी ने। और मम्मी ये पिछले साल की लोबिया की दाल थी तो इसकी छटाई का काम कर रही है अभी, इसमें ना काफ़ी सारे कंकड़ पत्थर हैं तो माँ साफ़ करिए है, सुबह में रखे हुए माँ ने। और माँ ने ना केतली में चाय रखी है और चाय भी उबल के तैयार हो चुकी है, दूध डाल देती हूँ मैं तो उस पानी से हुए। तो चाय बन के भी रेडी हो चुके हैं हमारी। तो चाय में मुझे शक्कर ऊपर से डालना अच्छा लगता है, और ये देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में। और मम्मी पापा लोग तो फीकी चाय पीते हैं। तो इस वाले पेड़ में ना काफ़ी सारी सेम फलियाँ लगी हुई है, बारहमासी छिमी बोलते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में। तो आज ना इन्हीं की सब्जी बना लेंगे हम, तो मम्मी कह रही तोड़ के लिया अवल, तो इस वाले पेड़ में जाना पड़ेगा मुझे, ऊपर लगी हुई है काफ़ी ऊपर। तो ऊपर पेड़ पे भी आ चुकी हूँ मैं और ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी बारहमासी छिमी लगी हुई है। तो ये मम्मी ने थैला दे रखा है मेरे पास तोड़ने के लिए। तो ये ना तेज पत्ते का पेड़ है, काफ़ी बड़ा पेड़ है, और हम तो यूज़ भी नहीं करते इन पत्तों को, लेकिन
लगा रखा है ये पेड़ बस। जी ना थी वो बच्चे मा गया बुढ़ाड़ो गए देख ले ले माँ तू धोरा मैं भेंडो बोलो तो यहाँ ना फोन और थैला पकड़ने में ही नहीं आ रहा, डर भी लग रहा है पेड़ में चढ़ी हुई है ना, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है पेड़ पर, मम्मी भरेगी नीचे नीचे फेंक दिया मैंने थैला। आजकल दुनिया भर की सब्जी हो रही है, मार्केट से तो सब्जी लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती आजकल। ये तारा भाई माँ ये बुढ़े बुढ़े हो गए क्या बोलियो तो ये देख सकते हैं बुढ़े हो गए, देखे ही नहीं हमने मैं। तो इस थाली से एक थाली भर के मैंने ये सेम फलियां तोड़ ली है और माना इनको छीलने पर लगी है, तो ये पक्की पक्की वाली हैं, इनके अंदर तो बीज भी हो गया है, हमने देखा ही नहीं और ये काफ़ी पक्की हो गई है। तो जो कोमल कोमल है उनको पूरा तोड़ी मम्मी ऐसे करके, खाना से भूल गया। अंशी क्या कर रही है तू, ये मशीन उसे भेंट हो लिया सीटू उधर से देख, चल सीटू जा आलू भी ला दो है? आलू सही जमा कॉल भीतर हो गया मच्छर खाना से मच्छर खाना। और आजकल ना पहाड़ों में काफ़ी सारे फल भी लगे हुए हैं और सामने वाले पेड़ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे आड़ू आ रखे हैं, पिछले महीने चूल्हे भी थे तो चूल्हे और पुलम तो ख़त्म हो चुके हैं और आड़ू अगले महीने से पकते हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी सारे आड़ू आ रखे हैं इस पेड़ पे। और अभी का मौसम देख सकते हैं पहाड़ों का बिल्कुल ख़राब हो रहा है मौसम और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, हल्की फुल्की बारिश की बूंदें भी हो रही है अभी। तो माँ ने बीन्स की फलियाँ भी काट दी है और इसके साथ बना रही है आलू और प्याज छीलने पे लगी है मम्मी। हाँ जी कह रही मैं बनाऊंगी व्लॉग, ले बना ले। हेलो गाइस, हेलो हेलो गाइस, बोले ये क्या कर रही है बनाया ये टमाटर। तो अभी हम लोग खाना वाना खा के अपने रूम पे भी आ चुके हैं और अंशु को ना आज मैं काफी दिन बाद पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ो यहाँ से पढ़ो ये क्या है अंश आज कल पढ़ना सीख गया थोड़ा बहुत, ये क्या मम्मी ये पढ़ो कबूतर पढ़ो कबूतर घास गमला उस गमला घास घड़ी उस घड़ी रखा ले। अच्छा वो सुना दो जोन सुना दो। उनके पापा हाँ इस से थे हाँ अनुर पापा हाँ चल गए हाँ नो डैडी टेलिंग अ लाइज नो पापा नो पापा ओपन योर माउथ हा हा। अब वो सुना दो चंदा मामा दूर के चंदा मामा दूर के हाँ
पुए पकाए भूल के आप खाओ थाली में, मुन्ने को दो प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, प्याली क्या रूठ, प्याली मुन्ने को मनाएंगे, मुन्ने को मला। बस थोड़ी थोड़ी आती है ना, चलो यहाँ से पढ़ो, यहाँ से आगे करो। चरखी है इसके ऐसे चलता रहे। तो अभी मैं इसको पढ़ाती हूँ थोड़ा, काफी दिन से उसको पढ़ाया नहीं है मैंने, तो इस ब्लॉग के यहीं पेंट कर देती हूँ मैं। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।